Assalamu alaikum internet, welcome back to my channel, and today I'm going to talk about reasons why you're not getting a job offer in Canada for Atlantic Immigration Pilot Program 2020. So there are basically three reasons that people are applying for, like people are applying log hard in Canada immigration ke apply kar Atlantic Immigration Pilot Program ke apply karna chahte hain, lekin ye bar bar baat aa rahi hai ki unko jo hai job offers nahi mil rahi, jobs unki nahi ho pa rahi, to uski kya wajah hai. Aur kuch log bahut zyada frustrated hain, kuch ke comments bahut frustrated hain, they don't believe in the complete process, they think that ye koi government of Canada ne aise hi shuru kiya, but trust me guys, kisi government ke paas time nahi hota ki wo ek aisa immigration plan start kare jiska koi saro pair na ho ya jiska koi maqsad na ho. Basically kuch wajahat hain jiski wajah se log jo mistakes kar rahe hain job application mein, main aaj unke upar baat karungi. तो इस वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आपका भी यही वजह, आपको लगती है कि इन्हीं वजूहात में से कोई वजह थी जिसकी वजह से आपको जॉब ऑफर नहीं आ रही थी. तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो नाउ. सबसे पहली रीज़न है यू डोंट हैव अ कैनेडियन रेज्यूमे. अच्छा जी, बेसिकली कनाडा में जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो होता ही है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो आते हैं उनको लगता है कि दे कैन री यूज़ द रेज्यूमे दैट दे हैव यूज्ड इन देयर ओन कंट्रीज. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया में जिस तरह रेज्यूमे बनते हैं वो कनाडा में नहीं काम करते. क्यों? क्योंकि कनाडा में रेज्यूमे जो है एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, और उन कनाडा के रेज्यूमे बनाने का एक पूरा प्रोसेस है जिसको थोड़े से हाइलाइट्स में आपको आज बता देती हूँ. मिसाल के तौर पर आप जब कैनेडियन रेज्यूमे बनाने लगते हैं तो उसको उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए. मिसाल के तौर पर कीप इट शॉर्ट, जो आपकी रेज्यूमे है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के एग्जैक्ट मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि रेज्यूमे जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और वो हर जॉब के साथ चेंज होता है. अगर आप डाटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपने अपनी रेज्यूमे को डाटा एंट्री के मुताबिक डिज़ाइन करना होगा, यानी कि डाटा एंट्री की जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई होगी आपने उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन करना होगा. अगर नर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर है डाटा एंट्री की जॉब को आप नर्स की जॉब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्पाइट एक नर्स डाटा एंट्री का काम भी कर सकता है. तो इसलिए आपको दोबारा से अपने रेज्यूमे को जाके कम्प्लीटली चेंज करना होगा, और तभी जाके आपकी रेज्यूमे जो है उस जॉब के मुताबिक लगेगी. इसके अलावा जब आप रेज्यूमे कनाडा में बनाते हैं तो चूँकि ज़्यादातर एम्प्लॉयर जो है आपके रेज्यूमे को, तकरीबन सारे ही एम्प्लॉयर जो हैं ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो वो कीवर्ड सर्च करते हैं. तो जो कीवर्ड्स, अब देखिए मिसाल के तौर पर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयर्स हैं उनको जो चीज़ सर्च करनी है, बहुत पूरी दुनिया से लोगों ने उनको अप्लाई किया होता है, तो जो उनको सर्च करना होता है वो कीवर्ड जो है वो डाल देंगे. मिसाल के तौर पर डाटा एंट्री के कोई स्पेसिफिक टास्क होगा वो डालेंगे कि भाई उनको जो है एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल आना चाहिए, तो वो डाटा एंट्री के साथ डालेंगे विद एडवांस लेवल. अगर आपकी रेज्यूमे में ये कीवर्ड होगा, जो कि बेसिकली ज़्यादातर इन्होंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में एम्प्लॉयर्स ने डाला होता है, तो अगर आपके रेज्यूमे में वो कीवर्ड होगा तो आपकी रेज्यूमे ऊपर आएगी. ठीक है, एक फर्स्ट स्टेज होता है कि ये आप रेज्यूमे क्लियर हो जाती हैं और जो रेलिवेंट रेज्यूमेज होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं और बाकी रेज्यूमेज नीचे चली जाती हैं, वो एम्प्लॉयर्स पर बिल्कुल कॉन्सिडर नहीं करते, तो फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होती है. इसलिए रेज्यूमे, कैनेडियन रेज्यूमे आपको बनाना बहुत ज़रूरी है हर जॉब के लिए. मिसाल के तो अब ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड बात आ जाती है कि जब आप कैनेडा में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो आप ये मत समझें कि आप एक दिन में 10 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे. आप रखेंगे एक दिन में आप 2 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, या एक जॉब के लिए, इससे भी बेटर कि एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे. और उस जॉब, मिसाल के तौर पर आप एक जॉब सर्च करें, आपको एक जॉब मिली, आपको लगता है कि ये आपके क्रेडेंशियल्स के बिल्कुल मुताबिक है, आपके एक्सपीरियंस के बिल्कुल मुताबिक है, तो आप पूरा दिन लगाकर उसमें जो है वो रेज्यूमे बनाएं ताकि, और उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड करें, उसको कम्प्लीटली उस स्पेसिफिक जॉब के लिए डिज़ाइन करें. यानी कि आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप जो है अपनी रेज्यूमेज रीयूज़ नहीं कर सकते. एक मास्टर रेज्यूमे आप रख सकते हैं लेकिन वो ज़ाहिर है आप सेंड नहीं करेंगे एम्प्लॉयर को, और हर जॉब के लिए आपने अलग रेज्यूमे बनाना होगा. तो जब आप इस तरह अप्लाई करेंगे स्पेसिफिक होकर, तो
आपको 100% जो है जॉब ऑफर आएगी। तो कैनेडियन रेज्यूमे बनाने का एक पूरा प्रोसेस है जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट आपको अभी बता दिया है। आइंदा जो है मैं आपके ऊपर आपके लिए कैनेडियन रेज्यूमे बनाने के वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन अगर आपको अर्जेंटली जो है कैनेडियन रेज्यूमे चाहिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप गूगल में जाएँ और सर्च करें हाउ टू मेक अ कैनेडियन रेज्यूमे, और आपको बहुत सारे यू नो सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे जिसको आप पढ़ के अपने लिए कैनेडियन रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू कैनेडियन स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है, चाहे आप एक ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टीचर की जॉब के लिए, आपको अपनी रेज्यूमे हर दफ़ा दूसरी नई बनानी होगी। दिस इज़ वन पॉइंट। तो अगर आप एक दिन में 100 जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसमें गलती एम्प्लॉयर या कैनेडा की गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि इट्स योर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन एंड आपकी लैक ऑफ रिसर्च है कि आपको जॉब की ऑफर नहीं आई। अच्छा जी, नंबर टू पॉइंट है, यू आर नॉट अप्लाइंग टू डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स अंडर AIPP। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये वीडियो मैं बना रही हूँ अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में, कि वहाँ उन लोगों जो कैनेडियन अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनको जॉब ऑफर्स नहीं आती, तो इसकी क्या वजह है। बेसिकली इसकी दूसरी वजह ये होती है कि आप जॉब ऑफर के लिए जब अप्लाई करते हैं तो इंटरेस्टिंगली आप जो है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स को अप्लाई नहीं कर रहे होते, बल्कि आप जनरल एम्प्लॉयर्स को अप्लाई करते हैं। तो डेजिग्नेटेड और जनरल एम्प्लॉयर्स में फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने एक लिस्ट जारी की हुई है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की, उन चार प्रोविंसेस में जहाँ पर आप अटलांटिक प्रोविंसेस हैं जिसके ज़रिए आप कैनेडा आ सक मतलब ये प्रोग्राम जिसके लिए जिन प्रोविंसेस के लिए आप, तो अगर आप डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है जो बेसिक जनरल एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हायर ही नहीं कर रहे आउटसाइड कैनेडा लोगों को, तो ज़ाहिर है आपको फिर जॉब ऑफर आएगी नहीं। ये एक बहुत दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स क्या है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी कि डिजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स क्या है और जॉब किस तरह फाइंड करनी होती है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, आप उसको भी चेक कीजिए। और हर प्रोविंस के लिए जो है डिफरेंट डिजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स है, तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की वेबसाइट पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3, यू आर नॉट अप्लाइंग टू द करेक्ट प्रोविंसेस। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, तीसरा रीज़न कि आपको गवर्नमेंट कैनेडा की जॉब ऑफर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप जो है अप्लाई तो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं लेकिन जॉब जो है जॉब सर्च आप कर रहे हैं इन चार प्रोविंसेस से बाहर। तो बहुत बड़ी वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मैक्सिमम लोगों को जॉब ऑफर इसलिए नहीं आती बिकॉज दे वांट टू कम टू कैनेडा, और जब इनको कहा जाता है कि अटलांटिक प्रोविंस से देन दे स्टार्ट टॉकिंग के क्या हम ओंटेरियो जा सकते हैं क्या, तो नो यू कैन नॉट बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा इज़ एक्चुअली सेटलिंग दीज एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है। फिर इसके ऊपर एक और पॉइंट आता है कि ये रूरल एरियाज़ है, तो मैंने अब बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी बोला है लेकिन उनको इन सब के लिए जो कि पहली दफ़ा ये चैनल देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा बता दूं कि डेफिनेशन ऑफ रूरल एरियाज बैक होम इन पाकिस्तान इंडिया इज़ डिफरेंट इन कंपैरिजन टू कनाडा। पाकिस्तान और इंडिया में रूरल एरियाज वो होते हैं देहाती इलाके जिसमें सड़कें ना हो, कीचड़ हो, कच्चे घर हो, बिजली ना हो, गैस ना हो, स्कूल ना हो, हॉस्पिटल ना हो, मेडिसिन ना हो, इसको कहते हैं रूरल एरियाज पाकिस्तान और इंडिया में, जबकि कनाडा में रूरल एरिया उसे कहते हैं जिसकी पॉपुलेशन कम हो और सारी सहूलियात सिटीज़ और टाउन की एक जैसी होती हैं हर जगह पर कनाडा में। तो एक तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी डेफिनेशन को फिक्स कीजिए कि भाई रूरल एरियाज इज़ नॉट द वे इट इज़ इन बैक होम इन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो डोंट बी स्केयर, डोंट बी इंटिमिडेटेड। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने सेटलमेंट वर्कर्स हर पते के साथ रखी हुई है, तो जब आप कनाडा आते हैं यू कैन ऑलवेज टेल द सेटलमेंट वर्कर अबाउट योर कंसर्न्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प द न्यू इमिग्रेंट्स बिकॉज दे वांट टू सेटल दीज एरियाज। अच्छा जी, तीसरे इसी से रिलेट मतलब इसी पॉइंट को और एक्सप्लेन करते हुए मैं बताऊँगी कि जाहिर है जब आप करेक्ट प्रोविंस पे अप्लाई नहीं करें जॉब के लिए तो आपको कैसे जॉब ऑफर आएगी, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर ही नहीं है और जनरल एम्प्लॉयर जो है दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर टाइम एंड एनर्जी हायरिंग पीपल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज ज़्यादातर लोगों को उनके एरियाज़ में लोग मिल जाते हैं। तो दिस इज़ अ वीडियो आई वॉन्टेड टू मेक दैट रीजन वाई यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब ऑफर इन कैनेडा वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम।
आई होप आप अपने इश्यूज़ को एड्रेस करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आप की भी यही रीजंस इनमें से कोई रीज़न थी कि आपको लगता है कि इसकी वजह से आपको जॉब ऑफर नहीं आ रही थी, और आप उसको करेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।